इतना चालाक होता है ना बाघ, अगर कहीं छुपने की कोशिश करेगा ना तो एक आंख से देखेगा, एक आंख से पूरा एरिया छुपा के रखेगा। वो तो मर जाओ वाला हिसाब है, टाइगर को गोली नहीं मारनी, सिर्फ हवाई फायर मार सकते हो आप बस। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई दिन के बज रहे हैं 2 और मैं निकल चुका हूँ भाई जंगल जर्नी के लिए। सुबह तो आपने देख ही लिया था भाई, बारिश से गेट वगैरह बंद हो गए थे, सुबह तो जर्नी हो नहीं भाई पूरी। पर उन्हीं गेस्ट की आज इवनिंग सफारी है, वो है झरना जोन। तो आज शेयर कराएंगे आपको झरना जोन की। तो भाई निकलते हैं, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। तो भाई आज मिलाते हैं अपने घनिष्ठ मित्र चेतन भाई से, जो भाई डेला झरना विजिट कर चुके हैं, वो इन्हें जरूर जानते होंगे, गेटमैन की ड्यूटी और हमारे परम मित्रों में आते हैं। चेतन भाई ठीक है? बड़ा सपोर्ट, बढ़िया यार, घर बहुत दूर है हमारा। आप कैसे हैं? ये जो है हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं, हमें फोन करके बता देते हैं गेट खुला या नहीं खुला। भाई घर भी दूर है, अगर यहाँ आ जाओ पता नहीं चलता ना, तो भाई पहली इन्फॉर्मेशन हमें देता है, तो धन्यवाद करेंगे इनका। तो चेतन भाई गेट खुले हैं? सुबह तो बंद हो गए हैं। ये डेरा वाला पार्ट है जहाँ आप सुबह घूमने वाले थे, थोड़ा सा बारिश होने की वजह से आज बंद हो गया डेला ना सुबह टाइम पार्क। डेला मैंने समर में किया। अच्छा, टाइगर नहीं दिखा इस बार गर्मियों में? तो बहुत अच्छी साइटिंग हुई ढेला में भैया, हो सकता है कि उस दिन ना हुई हो, ऐसा नहीं कि अगर गर्मियों में साइटिंग पड़ती तो हम लोग को नहीं दिखा। हाँ नहीं, तो अधिकतर ढेला में इस बार क्या रहा कि वाटर बॉडी पे बहुत ज्यादा टाइगर दिखा रहा, बहुत ज्यादा। अपन वाटर बॉडी तो हर जगह गए, मतलब बार बार वाटर बॉडीज पे आ रहे थे, वाटर होल्स पे आ रहे थे, पर क्या ना कॉलिंग आई लेकिन अभी क्या है ना भाई, बरसात है, बरसात में वैसी टाइगर साइटिंग जीरो हो जाती है। पर जो ढेला एकमात्र हमारा जोन ऐसा है जिसमें साइटिंग थोड़ा बढ़िया है। अभी देख ही लेना कि डेंसिटी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, आपके बगल में भी टाइगर बैठा होगा आपको पता नहीं चल पाएगा। और उसे दूसरा हर जगह पानी अवेलेबल हो गया है तो टाइगर कम मूव करता है। ये वाले बाघ के उसमें क्या है, ये मेल टाइगर है, ये पिछले साल ही माँ से अलग हो रखे हैं, तो ये मूवमेंट अच्छा कर रहे हैं। इसमें से एक टाइगर तो लचकने मतलब लचक रहा है, थोड़ा यहाँ तक मार करता है वो टाइगर, और एक वहीं ग्रासलैंड में रहता है। टाइगर इंजर्ड है क्या? इंजर्ड नहीं है, इंजर्ड होता तो इतनी दफ़े दिख गया उसे, मतलब फॉरेस्ट वाले कर लेते, हल्का फुल्का है वो, हो जाएगा ठीक। थोड़ा आपके बारे में जानेंगे, कहाँ से हैं आप लोग? अयोध्या। अरे वाह, बहुत बढ़िया भैया, जैसे आराम, बहुत बढ़िया भैया, अयोध्या से हैं? सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पहले आ चुके हैं आप लोग, सभी का मतलब फर्स्ट टाइम? तो इन लोगों का फर्स्ट टाइम, इन लोगों का फर्स्ट टाइम, थर्ड टाइम है। बहुत बढ़िया, मेरा फोर्थ है, मम्मी का थर्ड है। अरे वाह, कई दफे आ चुके हैं मतलब, तो बाघ के दर्शन हुए नहीं हुए? नहीं, अभी तक नहीं हुए। संघर्ष तगड़ा है, संघर्ष तगड़ा है, इसीलिए मैंने इस बार आपको फोन किया। प्रेशर ज्यादा है आपके साथ, शायद बहुत से लकी रहे हैं इसलिए। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अपने काम को अच्छे से करते हैं तो बन जाता है माहौल ना। क्योंकि बाघ ऐसी चीज है ना, अगर इसमें तो थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर हटाओगे ना आप, या थोड़ा सा टाइमिंग में लेट करोगे तो वो एक एक सेकंड का गेम है। जैसे सामने से टाइगर निकला, अभी 2 गाड़ियाँ आ रही है, तो कितनी गाड़ियों को दिखेगा, वो भी तो दिखाई है ना, साइटिंग है। यही चीज है सफारी के लिए, अवेयर रहना, अपना पूरा टाइम देना, वही बहुत रहता। तो हमारे वीडियो देखते रहते हैं आप, वहीं से नंबर मिला? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे देंगे, वैसे तो अक्सर आप वीडियो देखते हैं और पहले आप घूमे भी तो सब आपको पता रहेगा। जंगल में कहीं उतरना नहीं है, ठीक है, कुछ भी खाएंगे, रैपर वगैरह नहीं फेंकना है। और सडनली अगर मैं कुछ अलार्म कॉल को ऑब्जर्व करने की कोशिश करूं तो आप लोगों ने बोलना नहीं है, शांत रहना है। जब हम कुछ सुनेंगे तभी किसी के पास तक ले जा पाएंगे आपको, ओके? अभी कुछ दिनों पहले आपने एक मेरा वीडियो देखा होगा, इसी वाली रोड का वीडियो है, सेम जगह, यहीं से मुझे पता चल गया आगे कुछ हो रहा है, जिसमें कांवर वाले आ रहे थे पैदल और सामने टाइगर बैठा था। हाँ, ये चीज होती रहती भैया। हाँ, वो वाला वीडियो हम लोग ने देखा था। बिल्कुल बिल्कुल, वो कोई वाटर बॉडी टाइप थी, उसकी पकड़ छा में लेटा था टाइगर ना। बिल्कुल, इधर इधर नाले में। हाँ, नाले के पास टाइगर ऐसी रिवर बेड को चलना पसंद करता है ना। हाँ, रास्ते देखो ऐसा ना, एलिफेंट सुबह दिखा शाम दिखेगा ऐसा नहीं है, पर ग्रुप है अभी यहाँ पे। एलिफेंट वैसे भी माइग्रेट करता रहता है ना, एक जगह पे रुकता नहीं है, पर ये ग्रुप इसलिए माइग्रेट नहीं कर रहे हैं, इनके संग बच्चे हैं, जिस ग्रुप में छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा माइग्रेट नहीं करते हैं। और आजकल इन पर ग्रासलैंड भी अच्छा खाने के लिए है, पानी भी पूरा अवेलेबल है, तो ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, यहीं रह रहे हैं। बाकी दिखे ना दिखे तो देखो किस्मत है, दिख तो जाने चाहिए। इसी साइड पे था ना, ये सामने बैठा था टाइगर, अभी भी सच से जा रहे थे, पूरा सर्चिंग करते हुए चलो यहाँ। थोड़ा सा ब्रेक ब्रेक मारते रहेंगे हम तो टाइम टाइम पर, तुम जो है अपना देखते रहे, होल्ड टाइट करके बैठना कहने का मतलब है।
मार्किंग नहीं, यहाँ बाजू बैठता है ना ऊपर में जैसे, ऐसे एरिया को ज़्यादा सर्च करते हुए चलना पड़ता है ना, क्योंकि सब्जेक्ट है टाइगर, समझ रहे हो? इतना चालाक होता है ना बाघ, अगर कहीं छुपने की कोशिश करेगा ना तो एक आंख से देखेगा, एक आंख से पूरा एरिया छुपा के रखेगा। और भाई क्या बाघ ढूंढा उस दिन तो मैंने, लेकिन उनको जो उम्मीद ही नहीं थी, मतलब उम्मीद ही नहीं थी, और गेस्ट को तो बहुत देर तक ही नहीं दिखा टाइगर, यहाँ बैठा था बेटा। अब उस दिन क्या हुआ ना, ग्रीनरी में मुझे येलो मतलब दिखा, तो मेरे को शक हुआ, मैंने कहा यार ये कुछ गड़बड़ है। आपको उसके ईयर्स दिखे थे ना? फिर हाँ, मुझे उसके आँख, उसके कान हिलते हुए दिखे। बाकी है ना कानों में कंट्रोल नहीं रहता, वो हिलते रहेंगे, उसके पीछे व्हाइट होता देखा धब्बा जैसा, तो वो दिख गया मुझे। फिर बाइनोकुलर से देखा, अब इतना चालाक बाघ, वो हमें देख के छुप गया, छुप गया। फिर हमने गाड़ी आगे पीछे की, वहाँ ले गया मैं गाड़ी, फिर वो उठ के चलने लगा। अब मुझे लगा टाइगर ये बटिया पकड़ेगा, ये बटिया पकड़ेगा, अंदर को देख रहे रास्ता ऐसा बना है, उसे ना पकड़ के मैं गाड़ी आगे ले रहा हूँ, बारिश भी बहुत तेज चल रही, तब तक वो सामने से निकल गया यहाँ से, और मेरे सामने देखने तक टाइगर आधी रोड पार कर चुका था, और गेस्ट भी है सब कुछ, गाइड भी बैठा है, सोचो। फिर अब हुआ क्या, जैसी गाड़ी यहाँ पे लाया टाइगर नीचे खड़ा था, उस दिन पता नहीं क्यों उसका बिहेवियर थोड़ा सा एग्रेसिव था, वो खड़े हैं एलिफेंट, वो देखो आराम आराम से, मैडम माना हाथी दूर है अभी। वो देखो हाथी का बच्चा भी है साथ में बेटा उसके, अच्छा एक हर्ड है यहाँ पर जिसमें से एक बेबी का वो निकल गया भाई, वो हर्ड निकल गया पहुंच गया उधर दूसरे वाले एरिया में। अच्छा, क्योंकि आपके लगभग सारे ब्लॉग्स हम लोग देखते हैं। वाह बहुत बढ़िया, ग्रुप और भी होंगे अभी, क्या धूप बहुत है ना, तो अंदर होंगे ग्रुप। झिरना वाले ग्रासलैंड्स में भी हो सकते हैं ना? हाँ हो सकता, अभी झिरना का कुछ खास मतलब वहाँ का रिजल्ट आ नहीं रहा है सफारी पे। हाँ क्योंकि मैं नहीं तो गेस्ट को बोलता रहता हूँ कि ढेला ही लो, क्योंकि यहाँ चार पांच सफारी भी है ढेला ही लो, क्योंकि एक ही मतलब जिसमें साइटिंग अच्छी, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या है आपको एक में नहीं दिखा, एक में ना दिखा अगले में उम्मीद तो रहेगी। अभी हमने जोन ही चेंज कर दिया, गर्मियों में झरना में दिखा, साइटिंग हुई उस लेवल की नहीं, जैसे बारिश पड़ी वो टाइग्रेस जो अक्सर दिखती थी ना उसने दिखना ही बंद कर दिया, तो ये दिमाग लड़ाया जा रहा है या तो उसने बच्चे दे दिए, मतलब एकदम से दिखना बंद हो जाना तो या तो बच्चे दे दिए, और ऐसी जगह पे सेफ रखती है ना माँ बच्चों को, तो हो सकता है ये भी कारण हो। देखो आज क्या बनता है माहौल, एक हट उधर भी है शायद, एलिफेंट वहाँ भी है, वही हम भी वो देखो वहाँ ग्रुप दिख रहा है, बहुत है ना वाटर बॉडी, अभी कह रहा धीरे धीरे ये ग्रास इतनी बड़ी हो जाएगी कि इसमें हाथी छुपने लगे हैं, देखो अभी से बहुत बड़ा ग्रुप है, पर वो जो है छह सात तो गर्मी में आए थे, ये तो पूरा सूखा होगा था, एकदम सूखा था, तभी तो वो मचान देख के हम लोगों ने देखा, सब बता रही हूँ जून में आए थे। 5 times टाइगर साइटिंग का ये था वो पूरी जगह, सबसे पहले हमें वहाँ मिला था, वो वहाँ जहाँ पर डेंस दिख रहा फॉरेस्ट, वहाँ से बाघ को फॉलो किया, वहाँ से बाघ यहाँ पे से क्रॉस हुआ पहले, फिर घूम के अंदर गए तो फिर वहाँ मिला हमें। थोड़ा सा आपको टाइगर की ना ट्रेल पता होनी चाहिए, अगर आप अक्सर चल रहे हो तो ट्रेल, टाइगर रोज नए रास्ते नहीं बनाता है, उन्हें ट्रेलों पे चलना पसंद करता है जिनमें वो अक्सर चलता हो। हाँ यूज्ड टू हो जाता है, देखते रहते हैं गाड़ी क्या माहौल चल रहा है, ये मेल है जो ज़्यादा थोड़ा वो दिख रहा है, वो फीमेल है। कुछ नहीं रहता वो टाइगर, ऐसा है थोड़ा पार्ट ढेला का भी लेता है, थोड़ा पार्ट झरना का भी लेता है, वो दोनों एरिया कवर करता है। वो तो बड़ा तगड़ा मेल था, उसका वीडियो नहीं बन पाया ना, वो बहुत पीछे दूर चला गया था। इतना आप ये देखते हो ना वीडियो जो हमारे चैनल पे आप देखते हो, तो हमें पता हम कितने विषम परिस्थितियों में वो वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हमने गाड़ी भी मैनेज करनी है और फिर वीडियो भी बनना है, कैमरा हिलना भी नहीं है, ये बात है ना, बड़े विषम पर उस दिन भी यही हुआ। अब मैं कह रहा हूँ हमारी दूसरी गाड़ी कहाँ गई, तब तो हमारी दूसरी गाड़ी जैसे यहाँ पहुँची थी इन्हें दिखा पहले टाइगर, हमारी दूसरी गाड़ी को, दो गाड़ियाँ थी ना उस दिन, जम के देखा उन्होंने टाइगर तो उस दिन, मतलब ऐसा हो गया था कि वो बोलने लगे अपनी देखना, पर हर दिन एक जैसा नहीं होता ना। 2 minutes का समय लेंगे, एक एंट्री आपकी यहाँ भी होगी, ओके।
आजकल क्या है जंगल में डेंसिटी एलिफेंट का भी मूवमेंट सही सही है ना, तो अगर सडनली कोई आती है तो गाड़ी को चार्ज करता है तो पता नहीं चल पाता ना खड़ा भी, तो आप लोगों ने चिल्लाना नहीं है ओके। आपको सेफ जोन तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है, और आप जितना चिल्लाएंगे वो उतना गाड़ी में चार्ज करेगा जी। आप कहीं क्रॉस कर रहे हो एंड आपके ओवरहेड पे एक डाली थी उसको लपट बैठाता है, इसी जोन का है ना। मुंबई के गेस्ट थे, कपल थे, हमने पहली गाड़ी रखता हूँ मैं अपनी, तो मैंने वो नहीं देखा था, लेपर्ड को नहीं देखा था। मैंने देखा पीछे जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो अचानक रुक गई हैं और जंगल में कुछ देखने लगी हैं, तो मुझे लगा उन्हें कुछ दिख गया। मैं जैसी स्पीड से लाया तो लेपर्ड एकदम कूदा पेड़ से, ऊपर ही बैठा था हमारे, और लेपर्ड को लगा हम उसके लिए आ रहे हैं करके, और वो हमको तो पता ही नहीं है वहाँ पर वो देखने जा रहा था। उस दिन भी सीन अलग हुआ, पता है उस दिन सीन क्या हुआ था, वहाँ पर मूवमेंट कुछ और था, क्योंकि जब हम वहाँ से निकले लेपर्ड को देख के, पीछे हाथी को देख के, थोड़ी देर बाद वहीं पे एक गाड़ी ने टाइगर बैठा हुआ दिखा, तो पिक्चर माइंड में क्या आई पता कि वो टाइगर लेपर्ड को मारने आया, ठीक है, उसकी डर से वो लेपर्ड पेड़ पे चढ़ा, और जैसी हमारी गाड़ी की एंट्री हुई लेपर्ड को मौका मिल गया वहाँ से निकलने का। ये सीन रहा था, लेपर्ड बहुत कम थी। बहुत हिरन है वहाँ, अंदर भी दिख रहे हैं वहाँ, पर जो खूबसूरती आपको अभी आके मिल रही होगी जंगल में, शायद आप और टाइम आए हो आपको ऐसा नहीं मिला होगा, क्योंकि गर्मियों में दोनों ठेला ना करने का रीज़न यही था, मेरे को चेन्नई देखना था। अच्छा, हमने बिजरानी किया है, गर्जिया किया है, ठेला कर चुके हैं, निकाला करना है, लेकिन वो अभी ओपन होगा नहीं, अभी तो बंद है, तो जिरना ओपन था तो हमने कहा जिरना कर लेते हैं। आपको मिलेगा टाइगर, रैंडमली मिल सकता है, अलार्म कॉल बहुत कम, अब तो जंगल में डेंसिटी ज़्यादा है, बंदर लंगूर उनको खुद नहीं दिख पा रहा टाइगर, समझ रहे हो, और दूसरा बारिश पड़ने की वजह से टाइगर भूल भी जाता है, नहा लेता तो उसकी प्रॉपर स्मेल नहीं आ पाती है स्पॉटेड डियर को, समझ रहे हो, तो आपको रैंडम मिल सकता है, कॉल पकड़ के आप ऑब्जर्व करके ढूंढ पाना मुश्किल है। आप लोगों के जरिए हम और लोगों को भी अवेयर करते हैं, इसीलिए मानसून में अगर आप लोग कॉर्बेट आते हैं तो आपने देखेंगे छोटे मोटे रिवर बेड बहुत हैं। अभी परसों रात ही एक कार बह गई थी आपके रिजॉर्ट वाली रोड में, हाँ पांच लोग थे उसमें, तो कोई ऐसे गाड़ी डालनी नहीं है, चलते चलते पंजे सील किए मैंने, टाइगर चलाए, ये देख रहे हैं पंजे, पीछे देखो, पीछे देखो ना, पीछे ये चला देखो टाइगर, ठीक है, फुटप्रिंट के हिसाब से तो बाघ नीचे को है, दिख रहा है इस साइड जाते हुए, बारिश के साथ लग रहा है आगे चले, हाँ जितनी जर्नी हमने अभी शुरू की है इतनी देर में हमें टाइगर नहीं दिखा, क्या पता टाइगर ने हमें देख लिया हो, क्या पता कहाँ झाड़ियों में बैठा हुआ है गर्दन नीचे करके, यहाँ है क्या, इधर को नहीं है, इधर से कहाँ गया, वहाँ गया, यहाँ पे तो गए मंजा, बस इस तरफ देख लो अपनी तरफ, तेरी तरफ है ना, तो अंदर घुसना है यहाँ से, भाग क्यों, इधर क्या होगा, ये डियर के हैं इधर, बाकी तो सारे डियर के हैं, ये रिवर्स क्रॉस करते हैं टाइगर, हाँ हाँ फ्रीक्वेंटली, हाँ टाइगर एक अच्छा तैराक भी होता है, होता है हम बोल रहे हैं टाइगर तैर भी लेता है, अच्छा तैराक होता है वो भी, तुम्हें दिखा हाथी है क्या, पालतू है या डोमेस्टिक है या वाइल्ड है, ये तो अपने पालतू है, पेट्रोलिंग वाले एलिफेंट हैं, कैंपस नहीं जाएंगे अभी, थोड़ा पहले घूम रहे हैं, अच्छा। फिर उसके बाद कैंपस निकलेंगे, पर इन भैया को भी छोड़ के आते हैं ना, कमेंट आएंगे वीडियो में, ये भी विशाल का पेड़ था, इस बार गिर गया,
भारी हो जाता है ना, एच टू बोलते हैं इस जगह पे, एच जैसा बना है ना एच। नहीं नहीं रिपीट नहीं होती, और एक चीज़ और है, और ये रिफंड भी नहीं होता है, यही इनका प्रॉब्लम है। इस बात को लेके बहुत बात हुई है पर कुछ ज़्यादा खास निकला नहीं इसका। ऐसे ना गाड़ियों तो मैडम फिर लिमिटेड भेजेंगे ना, जैसे उस सफारी को अगर वो कहीं शिफ्ट भी करते हैं तो उस दिन जिन्होंने परमिट काटा होगा वो क्या करेंगे, ये भी है ना, ये भी डर रहा है ना। एक मिनट मेरे तो ट्रेन खड़ी है तो समझो थोड़ा खतरा फील कर रहा है। अच्छा लग रहा है, डर लग रहा है, हाथी आ गया एकदम तो दिक्कत हो जाएगी। भागने ही मुंह निकाल दिया झाड़ी से। जंगल में कभी भी आप पैदल चल रहे तो सुनसान नहीं चलना होगा, मतलब अपनी हरकत करते रहो, जिससे जो भी होगा ऑन रोड टाइगर होगा या जो भी, वो अपना रास्ता खुद छोड़ देगा। ये रहता है टाइगर का, ये हिसाब नहीं इंसान को देखते ही झपट लेना, ऐसा वाला हिसाब नहीं है, क्योंकि उसके किसी जमाने में, हाँ हाँ यही था, किसी जमाने की बात कर रहा हूँ, 92 से पहले इक्का दुक्का बसें चलती थी ना, यहाँ से अंदर ही अंदर निकलते थे, यहाँ से कालागढ़ निकलते थे, उधर फिर कोटद्वार, फिर हरिद्वार, ऐसा था। झाड़ी से आया टाइगर और पीछे से ऐसे हाथ डाल के ले गया, जो जिसे हम ताऊ ताऊ बोलते थे, तो थोड़े दूर तक चिल्लाते भी रहा कि सुबोध बचा ले, सुबोध बचा ले, तो सुबोध भाई उसे बचाता कैसे, जितने राउंड फायर थे फायर निकाले, पर टाइगर ने छोड़ा नहीं, वो तुरंत कैंपस भागा। सिर्फ हवाई फायर मार सकते हो आप बस डराने के लिए, तो वो तुरंत कैंपस गए, वहाँ हल्ला हल्ला हो गया, उसके बाद सीधे ट्रैक्टर आया तो देखा भाग दिखाई नहीं, जो सुबोध ने मुझे बताया, बहुत देर तक ढूंढा नहीं मिला, फिर तुरंत वो डोमेस्टिक हाथी बुलाए गए। हाथी जब बुलाए गए तो हाथी तो स्मेल से चले गया ना, हाथी अकेले वहीं पहुंचा तो भाई वो टाइगर ने उस ताऊ की बॉडी के ऊपर झाड़ डाल रखा था, झाड़ के ऊपर बैठा हुआ था टाइगर ऐसे गर्दन करके, मतलब इतना वो हो गया, हाँ उसको छुपाने के लिए उसे, हाँ फिर वो आ गया था हाथी, वो अलग हुआ तो उसको तुरंत ला गया, फिर तब तक तो मर चुके थे। केस काफ़ी बढ़ चुके हैं, पहले हम सुनते थे दो दो तीन तीन साल में यार उसे मार दिया इधर मार दिया, अभी इस साल ही कम से कम 7-8 लोग मार रखे हैं। जिस नाले में आज सुबह आप बैक हुए ना, जिस नाले से वहीं पे अभी इसी साल कुछ टाइम पहले ही मैंने ब्लॉग में भी डाला है, वो मैं सफारी से आ रहा था, भीड़ लगी है वहाँ, 2 औरतों को मार दिया टाइगर ने। केस होते रहते हैं। उस दिन आपने देखा क्यों टाइगर डियर के पीछे भी भागा, तो टीवी में कैसा दिख रहा था, वो दिख रहा था साहब, ज़्यादा देर तक नहीं हो पाया शूट उससे, टाइगर के लिए शिकार करना इतना आसान नहीं होता ना गुरुजी, टाइगर कम से कम जंगल में 10-15 बार अटेम्प्ट करता तब जाके एक बार उसे सक्सेस मिलती है, ये नहीं कि जंगल में सबसे बड़ा प्रेडेटर आया किसी को उठा के ले गए, ऐसा नहीं है, बहुत संघर्ष है उसके लिए शिकार के लिए, इसलिए तभी खाने के बगैर वो 8-10 दिन तक रह सकता, पानी के बगैर नहीं रह सकता। हाँ अभी कुछ साल पहले ही हुआ था, ढेला जोन में ही देखा गया था, और उसी ग्रासलैंड में जहाँ पे हमने टाइगर देखा था ना, उसके इधर इधर की बात है, एलिफेंट को पूरा उसने इंजर्ड कर दिया, उसकी पूंछ पकड़ के झूल गया जी, उसकी पूंछ ऐसे पकड़ी हुई है और हाथी घुमा रहा है, टाइगर उसकी पूंछ में ही झूल रहा है। अच्छा, बड़ा हर्ट, बड़ा हर्ट नहीं था, सिंगल हर्ट में नहीं पंगे लेता। अच्छा, टाइगर जंगल में ना अपने दिमाग से चलता है, टाइगर फ्री के पंगे किसी से नहीं लेता, हाथी भी एक विशालकाय जानवर है और दोनों मतलब एक दूसरे को अवॉइड करते हैं, मतलब हाथी के सामने टाइगर आ गया तो वो भी पंगे लेगा और टाइगर उनके सामने हाथी आ गया वो भी पंगे लेगा उससे, दोनों एक दूसरे को अवॉइड करेंगे। पर कई कंडीशन में देखा गया है कि इनकी फाइट होते हुए मतलब ऐसा भी मिला है, टिकाला में मिला है, नहीं होते ना, यहाँ तो जंगल ना फुल रॉ रखा गया है, यहाँ पे कई सालों से आपने देखेंगे पेड़ गिरे हुए हैं, पेड़ किनारे हैं, उठा के नहीं ले गया, यहाँ पे कई सालों से लाखों करोड़ों रुपये की गिरी हुई लकड़ी सड़ी है, चाहे तो गवर्नमेंट उसे बेच कर रेवेन्यू ले सकती है, पर गवर्नमेंट क्यों नहीं बेचती, क्योंकि जो जंगल आज आप देखने आए हो 10-15-20 साल बाद आपके बच्चे भी यही जंगल देखने आए, ये तभी होगा जब आप जंगल को जंगल के हालात पे छोड़ोगे। नेचर का गिरा हुआ पेड़ भी एक फूड चेन का काम करता है, मैं दिखाया था ना टर्माइट हिल से, दिखे होंगे आपको मिट्टी के, देखे थे ना, तो क्या करता है उसमें प्रोटीन होता है, वो नेचर की फूड चेन को हेल्प करता है टर्माइट ना, और टर्माइट खुद कैसे डेवलप होता है, दैट ट्रीज को डीकम्पोज करके, अभी ऐसे क्या फॉरेस्ट वाले गिरा हुआ पेड़ उठा लेंगे तो टर्माइट क्या डीकम्पोज करेगा, है ना, तो ये चीज़ें यहाँ फुल रॉ रखा जाता है। इस पार्क को इसलिए भी रॉ रखा गया है क्योंकि जिसको आप विजिट कर रहे हो
ये एशिया का इंडिया का एक तो पहला नेशनल पार्क भी है, ठीक है, 1936, और इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व भी है 1973। अब इसका लेवल आप समझ सकते हो, हम एक इसमें चुटकुला भी बोलते हैं कि यहाँ पे अगर टाइगर छींक मार दे तो केंद्रीय बैठक हो जाती है, तो यहाँ बड़ा सेफ करके रखा जाता है जंगल को, कॉर्बेट को ना। दोनों ने अपने देखो ना, इसने अपने वेदर को गिरा दिए हैं, वेदर ना थिंग्स गिरा दिए हैं, ये बरसात आने से पहले कुदरती ही गिर जाते हैं इसके, फिर नए आ जाते हैं क्योंकि उड़ नहीं पाएगा ना। आओ फिर एक राउंड इधर का मार के फिर इधर को आएंगे वापस। ये खैर का पेड़ है, एशिया का पेड़ जिसका बनना कत्था मान में लगना उसका पेड़ है। लेपर्ड होता है मल्टी टैलेंटेड, समझ रहे हो, उसका कोई मॉरल नहीं है, अभी स्कूलों की बिल्डिंगों में छुप जाएगा, अभी गांव में आ जाएगा, अभी पहाड़ों पे चढ़ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये वाला केस रहता है, आज से कई सालों पहले 100 साल पहले एक लेपर्ड मैनीटर हुआ था जिसमें जिम कॉर्बेट ने बुक लिखी है द मैनीटर ऑफ रुद्रप्रयाग। उस लेपर्ड के बारे में जरा पढ़ना क्या बुक लिखी है, और बहुत अच्छे राइटर भी थे जिम कॉर्बेट, रोंगटे खड़े हो जाएंगे ऐसे ऐसा किस्से लिखे हैं उसमें, बहुत ज़्यादा किस्से। और लेपर्ड एक ऐसा शिकारी एनिमल है जो अपने वजन से दुगने शिकार को मारने के बाद पेड़ पे ले जाके खाता है, और लेपर्ड टाइगर से बंदे लेता है, टाइगर के एक थप्पड़ का नहीं है, कहाँ टाइगर 250+, लेपर्ड 100 kg+। डिकारा जोन में जो टाइगरस है पेड़ वाली, उसका नाम पेड़ वाली क्यों है, वो पेड़ पे चढ़ जाती है, बता, वो एक ऐसी फ्लेक्सिबल टाइग्रेस है जो पेड़ पे चढ़ती है, सोचो। अब उसके बच्चे भी ऐसे माँ से वैसी सीख रहे हैं। तो मैं जिस दिन डिकाला पहुँचा, मेरे सामने घटना नहीं हुई, उसके अगले दिन, वो उससे पहले दिन हो चुकी थी घटना, उसके बच्चे को मारने आ गया लेपर्ड, और वो टाइग्रेस अपने बच्चों के लिए उस लेपर्ड को मारने के लिए पेड़ पे चढ़ गई, पता, बहुत ऊपर तक, हाँ, और मतलब बिल्कुल लेपर्ड तो लास्ट कोने में जाके, पता, लेपर्ड को ऐसा फील करा दिया अंदर तक कि मैं गया आज। पर क्या था, टाइगर दिमागदार है ना, उसे लगा कि यार मेरे वेट से मैं गिर सकती हूँ, इंजर्ड हो जाती तो दिक्कत हो जाती ना, वो नीचे उतर आई। हाँ, हमें मिली है गाड़ी, नहीं मिली थी, हमें 1.5 घंटा उससे ऊपर हो गया, हमें 2 घंटा होने वाला रेगुलर घूमते हुए। इसीलिए जो आप बोले ना कि आपकी वीडियो में दिख जाता, तो यही है थोड़ा सा अपने काम के लिए। यहाँ पे ये भी रहता ना कि मैंने एक सेकंड की वैल्यू समझी जंगल में, एक सेकंड की वैल्यू जंगल में पता चलती है, और ऐसा नहीं कि हमारे साथ आ रहा हमें ही को दिखेगा, कई दफ़ा हमें भी, हमें नहीं दिखता औरों को दिख जाता है, और ये जितने एफर्ट डालोगे उतना आपको साइटिंग ज़्यादा होगी। बन जा रहा है डेला जोन में टाइगर साइटिंग, नहीं तो बरसात में बाघ पूरी दिखता है, कि आपको रैंडम या फिर किस्मत उन बच्चों की जैसी हो। क्योंकि उससे कुछ दिनों पहले एक वीडियो और डाला था जिस दिन ये प्रिंस के सामने आ गया था, उस दिन भी बहुत अच्छी किस्मत थी। आराम से उतरिएगा, ठीक है, ब्रेक रहेगा 10 मिनट का, फिर बढ़ेंगे आगे, ओके। पाँच ही बज रहे हैं, थोड़ा और रुकेंगे यहाँ, ठीक है, समय बहुत है ना अभी, हाँ। इस तरफ पर चलते हैं जरा, इधर वेट करेंगे क्योंकि इधर बोल रहे हैं मुर्गे, थोड़ा लोग गाना भी गाने लग गए ना, लोग भी अलग अलग हैं, हम वहाँ सुनने के लिए आ रहे हैं। मैंने गाइड से कहा ना ढोलक वोलक भी दे दो, कीर्तन भजन करवा लो, ऐसे ना औरों को भी प्रॉब्लम होती है ना, जंगल शांत होकर सुनने की कोशिश कर रहे हैं हम ना, दूर की कॉल को यहाँ पर रुक के हम यहाँ की कॉल थोड़ी ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ की कॉल तो हमें इजीली सुनाई देगी, हम सुन रहे हैं उधर की कॉल, कहीं दूर हो जाए ना। मॉनिटर लिजर्ड ऑन रोड, इनसे जॉब लेंगे, उसके बाद इन्हें रिटायरमेंट दे देंगे। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि जंगल में छोड़ देंगे, क्योंकि जो हाथी एक बार डोमेस्टिक बन गया वो दोबारा वाइल्ड नहीं बन सकता, तो जंगली हाथी मार देंगे, तो इसे क्या करेंगे, अपने पास रखेंगे, सिर्फ खिलाएंगे पिलाएंगे, इससे काम नहीं लेंगे। अच्छा, ये होता है।
संजय इधर को भी कुछ कह रहे थे उस समय, संजय इधर ही थे ना। हाँ। और जहाँ हमारा कैंपस नहीं झिरना का, इसके तो अंदर घुस जाते पूरा कैंपस भर जाता जब रात होती है। हाँ हाँ, क्योंकि उसे पता है ना यहाँ टाइगर को मतलब ह्यूमन एक्टिविटी है तो टाइगर इधर नहीं आएगा करके, पर उसके मन का वहम है। मैंने उसके अंदर भी टाइगर के हमारे गेस्ट सोए थे उधर, और हमारा रूम इधर है, इधर वाले जो कमरे थे ना, तो मैं सुबह उधर को आया गाड़ी लेने के लिए, वहाँ टाइगर के पंजे लगे हुए हैं अंदर कैंपस के। जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी हमें। गजराज ना आगे है, कोई नहीं, बोलूंगा धैर्यता दिखाओ। सेफ रखो, उसके बाद देखो। ऐसा लगा नहीं, आपका एग्जिट पॉइंट कहाँ है जो है? कैसी रही भैया सफारी? बढ़िया, बाद में तो अच्छी। कोई नहीं, बाघ तो देखा नहीं, नेक्स्ट टाइम बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओके गाड़ी, आप तो आपकी गाड़ी है, सब चले गए।
तो भाई जबरदस्त रही आज की जर्नी भी, बहुत अच्छे गेस्ट थे यार, इनकी एक सफारी कैंसिल हो गई थी पूरी कोशिश की, लास्ट अभी आ रहा हूँ बाहर, देख लो भाई सारी गाड़ियाँ 6:30 पे बाहर है, मैं अब आ रहा हूँ। और कोई बात नहीं भाई, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यारों में ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बोलो सीताराम।